अच्छा लगता है। हाँ। जो भर पेट वाला बात है सही है कि फोकसबाजी सही है, भर पेट मिलता है। हाँ, मिलता है। थरिया खत्म कर दोगे तो फिर भात मिल जाएगा। हाँ, और देगा, और दोबारा खत्म कर दोगे तो फिर मिलेगा। हाँ, जितना ऐसा बात है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो सुने हैं कि 50 रुपए में भर पेट खिला रहे हो, सही है, सही बात है। हाँ। तो 50 रुपए में भर पेट क्या क्या रहता है, एक बार ही बता। तो भाई अब जो है एड्रेस बता दो कि आदमी जो है यहाँ पे आए कैसे, भर पेट मुर्गा 50 में खाए कैसे, ये बताओ। चलिए बाहर चल के बताते हैं। चलो बाहर चल के बताओ, मतलब एकदम दिखा के समझा के बताओ। हाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज से 1 साल पहले हमने आपको एक जगह दिखाई थी जहाँ पे मात्र 60 रुपए में भरपेट मुर्गा भात खिलाया जाता था, और उस जगह का हमने नाम दिया था गरीबों का 5-स्टार होटल। और आज हम आपको लेकर आ चुके हैं एक वैसे ही जगह को एक्सप्लोर कराने के लिए जहाँ पे भाई साहब उससे भी कम रेट में खिलाया जाता है आपको भरपेट मुर्गा भात। और इस जगह की बात ऐसी है कि यहाँ पे सुबह सुबह जो है गाड़ी का पूरा लाइन लग जाता है, लोग बासी मुँह यहाँ पे पहुँचते हैं मुर्गा भात खाने के लिए, यहीं पे खड़े होकर दतवन वगैरह करते हैं। और हमने सुन रखा है कि यहाँ पे जो मुर्गा बनाते हैं उसका पीस वगैरह भी ये खुद यहीं पे बनाते हैं, और इनका बनाने का तरीका बिल्कुल देसी होता है, देसी मसालों के साथ हर कुछ बनाया जाता है। तो इस जगह को हम लोग करने वाले एक्सप्लोर, यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे जो है मुर्गा बनाया जाता है और कैसे 50 रुपए में खिलाया जाता है, और इस जगह के बारे में सारी जानकारी हम लेने वाले हैं होटल के ओनर से। तो फटाफट चलते हैं होटल के भीतर। तो सबसे पहले ये जगह चेक कर लो, बिल्कुल देसी सा इनका सेटअप है, और भाई भीतर दिखाएंगे आपको। तो ये है उनका वो जगह जहाँ पे सारा खाना वगैरह बनाया जाता है। अभी सुबह का टाइम है तो भाई यहाँ पे देख लो, चावल बनकर रेडी हो चुका है, माड़ फसाया जा रहा है, यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे देखो मुर्गा कट कर रखा हुआ। और ये जो मुर्गा देख रहे हो ना भाई, खुद से काटा जाता है यहाँ पे, या नहीं तो बल्कि होता है बहुत जगहों पे कि दुकान से कटवा कर लाया, लेकिन वहाँ पे कुछ वैसा सीन नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ जो है सामने कटता है। ये देखो भाई यहाँ पे लगातार खपाखप मुर्गा काट रहा है। तो वहाँ पे तो मुर्गा का मीट कट के रखा, वही क्या काट रहे हो? ये इसका गोड़ी मुड़ी है। अच्छा, गोड़ी मुड़ी अलग से बनाते हो? हाँ। वाह, तो मतलब मुर्गा उर्गा सब अपने काटते हो यहीं पे? हाँ। कहीं से कटवा के नहीं लाते? नहीं, नहीं, सब अपने काटते हैं। वाह जी वाह, तो मुर्गा तो ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इसका कैसा डिमांड रहता है? इसका सबसे ज्यादा डिमांड है। इसका सबसे ज्यादा डिमांड है? हाँ। सुने हैं तुरंत बनता है और बिक जाता है? हाँ, बस इसको बनने के बाद 15 मिनट का टाइम लगता है बिकने में। हाँ। वाह जी वाह, मतलब बनने में भले आधा घंटा लगे, बिकने में 15 मिनट। हाँ। तो भाई साहब कुछ इस तरीके से जो है क्रेज है यहाँ पे मुर्गा का, और मुर्गे के साथ साथ यहाँ पे गोड़ी और पचौनी का भी। तो पहले क्या बनाते हो, मुर्गा का मीट बनेगा कि पहले ही बनाओगे? पहले मुर्गा का मीट बनता है। पहले मुर्गा का मीट बनेगा? नहीं। हाँ। तो हो गया कटिंग वटिंग यहाँ पे? हाँ। चले बनाने। ठीक है, अब हम लोग मुर्गा बनाना शुरू कर रहे हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो गाइस ये चेक कर लो, यहाँ पे बड़ा सा कढ़ाई चढ़ाया गया है, अच्छे से गरम किया गया है, और अब इसमें सरसों का तेल डल चुका है। कितना तेल गया होगा भाई भाई अंदाजन? लगभग 200 ग्राम होगा। 200 ग्राम जैसा गया? नहीं। और भाई साहब तेल का क्वालिटी देख लो, मतलब पूरा एकदम झांस लग रहा है, भयंकर है। हाँ भाई, बढ़िया करुआ तेल यहाँ पे यूज किया जाता है। अब क्या जा रहा है? तेजपत्ता। ये गया तेजपत्ता, तेजपत्ता के बाद गया इसमें सुखल मिर्चाय, और इसके बाद जा रहा है गोटा गरम मसाला। तो भाई तगड़ा सा छौंक यहाँ पे पड़ चुका है सरसों के तेल में, और इसके बाद कटा हुआ प्याज। वाह, कटा हुआ प्याज भी डल चुका है। तो कटा हुआ प्याज और जाएगा कि इतना में हो जाएगा? इतना ही में हो जाएगा। अच्छा, प्याज इसमें बहुत कम डल, इसमें फिर पिसा वाला डालेंगे। ओके, और भाई ये देख लो यहाँ पे बढ़िया से जो है छौंक प्याज, और उसके बाद अब पेस्ट चाय, मतलब इतना भयंकर झांस उठ रहा है कि बोलल नहीं जा रहा है। यहाँ देखो भाई का हालत, पूरा आँख से आंसू निकल चुका है, और यहाँ पे मुर्गा बन रहा है, मतलब रो रो के मुर्गा बना रहे हो का? भाई पूरा हालत खराब है। पेस्ट में क्या क्या था ये बता दो भाई एक बार। क्या जी? पेस्ट में क्या क्या था? पेस्ट में क्या क्या डाले हो? एक तो प्याज बताया, और आधी लहसुन है। अच्छा, आधी और लहसुन ये भी था? हाँ। तो भाई साहब बड़ा तगड़ा सा जो है माहौल बन चुका है। कितना देर भुंजाएगा ये? अभी ये 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट, मतलब थोड़ा लाल हो जाए। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया। अब सब चीज भुना गया है, अब इसमें हम लोग मुर्गा डालेंगे। मुर्गा? हाँ। तो भाई साहब ये देख लो, बढ़िया से जो है हर चीज भुनाने के बाद अब टाइम आ चला है इसमें चिकन डालने का। और ये देख लो, अब जो है सारा चिकन जो कि भाई के द्वारा खुद यहीं पे काटा गया है, अब इसमें जो है डाला जा रहा है एक एक करके। ये देख लो सारा का सारा। तो अच्छा, एक चीज और पूछना था हमको, मतलब तरी वगैरह क्या रहता है? सूखा सूखा रहता है कि पूरा तरीदार रहता है? नहीं, तरी रहता है। तरी रहता है,
तो इतना कम प्याज में तरी बन जाता है? अभी और डालेंगे। अच्छा अभी और जाएगा? हाँ। तो भाई यहाँ पे जो है ना मुर्गा बनाने का तरीका दिखाने वाले हैं, बिल्कुल अलग होता है। और हमने सुन रखा है कि भाई यहाँ का मुर्गा होता भी बड़ा लजीज है, तो हम यहाँ पे पहुँचे भी है लोगों के द्वारा ही पता चला कि यहाँ मुर्गा बड़ा तगड़ा बनता है। अब प्रोसेस जो है इनका देख लो। अब कितना देर भुजाएगा ये? लगभग 10 मिनट। 10 मिनट अभी भुनाएगा ही ना? तो 10 मिनट जब मुर्गा भुनाएगा तब तक हमको थोड़ा सा यहाँ का जो है टाइमिंग वगैरह बता दो। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दो भाई। क्या नाम है? ललित। ललित, और आपके होटल का नाम क्या है? लालू होटल चालू। लालू होटल चालू। हाँ। ऐसा क्यों नाम है? मतलब लालू होटल तो समझ में आ रहा, चालू बैठ रहा था क्या? चालू किए। तो यहाँ पे देखो अंकल जी भी, आप ही का नाम लालू है क्या? अंकल जी का नाम लालू। और भाई साहब यहाँ पे नाम जो है ना बड़ा खतरनाक है। क्या टाइमिंग वगैरह रहता है दोस्त? 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। 9 बजे सुबह से? सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। 4 बजे तक? हाँ। अच्छा, सप्ताह में कोई बंदी की 7 दिन खुलता है? 7 दिन खुलता है। जब कोई त्योहार होता है तभी बंद रहता है। अच्छा, स्पेशल टाइम पे बंद रहता? हाँ। है ऐसे कोई सप्ताह वाला छुट्टी नहीं है ना? नहीं। बहुत बढ़िया। और भाई हमने सुन रखा है कि यहाँ पे जो है आदमी भोरे से ही आ जाता है खाने के लिए मुर्गा बना है। हाँ। है ना, तो कस्टमर वगैरह क्या रहता है, लोकल ही है की? लोकल भी रहता है और दूर दूर से भी आते हैं। अच्छा, और डम्फर उम्फर में चलने वाला भी लोग बहुत आते हैं? ज्यादातर वही रहते हैं, ईटा बालू में चलने वाले। हाँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो सुने हैं कि 50 रुपए में भरपेट खिला रहे हो, सही है? सही बात है। हाँ। तो 50 रुपए में भरपेट क्या क्या रहता है एक बार ही बता दो थोड़ा। 3 पीस चिकन मिलता है और खाना जितना ले सकते। चावल? हाँ। 3 पीस मुर्गा? हाँ। भाई साहब 3 पीस मुर्गा, मुर्गा एक बार उठा दो छलनी के ऊपर, थोड़ा ऊपर करो। तो ये देख लो मुर्गा भी भाई साहब एकदम स्टैंडर्ड साइज का है, जिस हिसाब से रेट है, और चावल भरपेट है। अच्छा एक चीज हमको और पूछना है, जो लोग गाड़ी में चलता है सुने वो लोग खाता बड़ी दबा के? हाँ। हम जैसा लोग तो चलो आधा थरिया में भर जाएगा पेट, पर वो लोग एक है कोई है ना, पर वो लोग में कोई कोई रहता है कि 2-3 थरिया चाप देता है। हाँ। है ना, एक थरिया भी नहीं है तो मतलब उस टाइम पे क्या होता है, पसाता है फिर? हाँ। अच्छा नहीं नहीं आपको पसाता है? 50 रुपए जाता है, मैनेज कर लेते हो? कमाने भर। अब 4 आदमी है, 2 आदमी खाए, 2 आदमी नहीं खाए। अच्छा, तो मतलब ये जो है 50 रुपए मुर्गा बाद आप बना के खिला रहे, तो समझिए बस लोगों का पेट भर रहे हैं। हाँ। कि कोई आप इसमें बहुत आपको बचत हो जा रहा वैसा कुछ नहीं है पर? हाँ। अब भाई ये देख लो मतलब सेवा ही किया जा रहा है एक तरीके से। और यहाँ देखो मुर्गा थोड़ा देर भुजाया है, और भुजाने के बाद अब इसमें नमक डाल दिया गया, नमक। ये देखो नमक डालने के बाद अच्छे से जो है इसको भुना जा रहा है। कितना देर लग जाता है टोटल बनने में? लगभग 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट? हाँ। वाह, 25 से 30 मिनट में मुर्गा इनका बन के रेडी हो जाता है। तो अभी कुछ मसाला जाएगा और की? अभी हाँ, जाएगा। अब जाएगा टमाटर। हाँ। ये गया आपका हल्दी, हल्दी का पाउडर नहीं? ये देख लो इसमें चाह चुका है हल्दी का पाउडर। कितना मुर्गा जो है वैसे अभी आजकल बनता होगा? अभी तो आज त्योहार का सुबह है इसीलिए 3 केजी है। अच्छा नहीं, ऐसे चालू दिन में मतलब जब त्योहार? चालू दिन में 5 केजी। 5 केजी सा मुर्गा बन जाता? हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया करते हो। ये देखो अब इसमें हम लोग टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, तो भाई यहाँ पे जो है ना मुर्गा तो अच्छे से भुनाया, हल्दी नमक और थोड़ा बहुत मसाला दे के अब इसमें टमाटर का पेस्ट बढ़िया सा डल चुका है। ये देख लो, तो हम वही टेंशन में थे कि तरी बनेगा कैसे, अब समझ में आया कि तरी जो है टमाटर का पेस्ट और यहाँ रखा मसाला इससे बनेगा नहीं? हाँ। और भाई यहाँ पे बढ़िया सा टमाटर जा चुका है, ये देख लो। अभी कितना देर इसको ऐसे भूनोगे? कुछ डलेगा अभी और? हाँ, इसके बाद मसाला डालेंगे। अच्छा, इसके बाद ये मसाला जाएगा? नहीं, अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं अपना मेन मसाला। अच्छा, तो मेन जो है यही काम करेगा ना? हाँ। स्वाद और आपका जो है तरी वगैरह इसी से बनेगा? हाँ। तो भाई इनका जो है पिसा हुआ मेन मसाला, मोटा मोटा दरदरा पिसा हुआ, तो क्या क्या रहता है भाई इस मसाला में? थोड़ा जीरा गोलकी रहता है। अच्छा, और धनिया, और गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला भी इसमें रहता है? हाँ। तो गरम मसाला एक तो छौंक में भी डालते हो पहले? हाँ। थोड़ा, और उसके बाद पिसल मसाला में भी? हाँ। तो भाई जो यहाँ पे जो है ना गरम मसाला भर भर कर डाला जाता है, गरम मसाला का कोई कमी नहीं है। और सच्ची बताओ ये जो मसाला डाला है ना इसका बहुत बढ़िया सा अरोमा फैल चुका है, मतलब जैसे जैसे भी भुंजाएगा। हाँ। वैसे तो और खुशबू बढ़ेगा यहाँ। हाँ, पे हाँ। है ना, बहुत बढ़िया। और इस साइड पर देख सकते हो भैया लोग आ चुके हैं मुर्गाबाद खाने के लिए, मतलब अभी इधर बना नहीं है, कस्टमर जो है भाई साहब पहुँच जाते हैं, तो हमेशा का ऐसा ही रहता है ना? अब मुर्गा पूरा भुना गया है,
अब इसमें थोड़ा हल्का पानी डालेंगे तरी के लिए। तो अब जाएगा पानी तरी के लिए। तो भाई यहाँ पे जो है 10 से 15 मिनट हो चला है इनका गाढ़ा मसाला डले हुए और उसको खर करके एकदम तो भूंजा गया तगड़ा रगड़ कर। और सच्ची बताओ जो कलर जो टेक्सचर दिख रहा है ना वो एक नंबर। उठा दो छोलने पे थोड़ा मीट को ऊपर, ये देखो एक नंबर, बहुत बढ़िया। अब पानी डलेगा कि और पानी अच्छा इधर है। तो भाई यहाँ पे जो है मुर्गा में पानी तो डला रहा था लेकिन यहाँ पे जो है एक दादा आके रुकवा दिए हैं और उनको चाहिए भुंजल मुर्गा, ये देख लो यहाँ पे। तो भाई साहब कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिमांड रहता है मुर्गा का। तो पानी अभी जो है थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, नहीं पहले कस्टमर को भुंजल मुर्गा देना पड़ेगा। तो भुंजल का थोड़ा ज्यादा स्वाद रहता है क्या? हाँ है ना, लटपट लटपट एकदम चटपटा सा। ये देखो निकल गया भुंजल मुर्गा और अब इसमें जाने वाला है पानी, और पानी भी गर्म पानी यूज करते हैं। और गर्म पानी डालने का मतलब कि भाई टेम्परेचर जो है इसका बना रहे, चिकन जो है कठुआए नहीं, और भाई ऐसे जो है ना इसका स्वाद बड़ा बढ़िया आता है। पानी वगैरह तो डल चुका, अब कितना देर लगेगा इसको रेडी होने में पूरा कंप्लीट? लगभग 3-4 मिनट। 3-4 मिनट मतलब हो गया, बस हल्का सा डबकेगा उतर जाएगा। लास्ट में कुछ जाएगा? धनिया पत्ता। अच्छा धनिया पत्ता बाकी है और चिकन मसाला। चिकन मसाला, तो भाई साहब यहाँ पे जो है चिकन समझ लो अपना ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है, ये देख लो। अब हमारा मुर्गा बन के रेडी हो गया है, अब इसमें धनिया पत्ता और चिकन मसाला डालेंगे। तो भाई पानी डले हुए सही में 3 से 4 मिनट हुआ है और अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता और इसके साथ हाथ में इनका चिकन मसाला। नहीं चिकन मसाला देख लो। तो मुर्गा जो है बहुत ज्यादा तरी भी नहीं रखते हैं। ये तो और मतलब कि जैसे जैसे ठंडा होगा तो रस्सा तो टानेगा मुर्गा। तो भाई मुर्गा अपना बनकर हो चुका है रेडी और अब जो है ना यहाँ पे प्लेट तो अपना लगवाएंगे लेकिन उससे पहले जो है भाई से एड्रेस जान लेते हैं यहाँ का। तो भाई अब जो है एड्रेस बता दो कि आदमी जो है यहाँ पे आए कैसे, भरपेट मुर्गा 50 में खाए कैसे, ये बताओ। चलिए बाहर चल के बताते हैं। चलो बाहर चल के बताओ मतलब एकदम दिखा के समझा के बताओगे? नहीं। तो भाई अब जो है हम लोग बाहर आ रहे हैं एड्रेस जानने के लिए, ये देखो बताओ अब एड्रेस भाई क्या है, इस जगह को क्या बोलते हैं? ये जगह का नाम है रेंडो पतरातु और अच्छा। ये मदरा मुंडा चौक के समीप है। अच्छा मदरा मुंडा चौक तो इधर हो गया नहीं? और ये जो चारों रास्ता दिख रहा है किधर किधर जा रहा है ये बताओ सबसे पहले। ये चल जाएगा आपका कुच्चू, कुच्चू 6 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, और मांझी कुच्चू 6 किलोमीटर, इधर मोराबादी भी 6 किलोमीटर। अच्छा ये रास्ता मोराबादी, ये 6 किलोमीटर। और ये सामने वाला जो सीधे गया है वो विकास, विकास चल जाता है। और इस पट्टी इधर काठीटार निकालेगा, काठीटार दलादली चौक तरफ। तो भाई साहब ये जो जगह है एकदम सो है मतलब कि एकदम चौक पे है नहीं? और ये बगल में दुकान, तो पहुंचने में यहाँ से कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाला है? नहीं। ये तो पड़ता है कौन सा थाना? ये कांके थाना पड़ता, कांके थाना पड़ता है, जिला इसका रांची हो गया है ना। अब हमको फोन नंबर बता दीजिए, क्या नंबर है आपका यहाँ का? मेरा नंबर है 6207166636। अच्छा तो ये जो है नंबर हो गया, बना बनाया खाना के साथ ऑर्डर का भी काम करते हैं? नहीं ऑर्डर भी लेते हैं, ऑर्डर भी लेते हैं। तो भाई साहब जो है हमने मुर्गा दिखाया कैसे बना, एड्रेस जान लिया, नंबर बता दिया, यहाँ पे आप आके खा सकते हो या बनवा के खा सकते हो ना। तो भाई साहब मेरा भी जो है लगा दो प्लेट, बहुत जोर भूख लग गया है भोरे भोरे, है ना? ठीक है। और इस साइड पे जो है ये वही भाई लोग हैं जो दतमन कर रहे थे और भाई साहब फ्रेश होने के बाद अब यहाँ पे देखो खाना खा रहे हैं। ये देख लो मुर्गा भात लगा दिया गया है, भैया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो भैया अपना नाम बताओ, क्या नाम है? शिव शक्ति। और कहाँ घर है? अच्छा तो यहाँ पर क्या है, बराबर रेगुलर खाना खाते हो कि? हाँ जी। हाँ। कैसा खाना होना लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जो भर पेट वाला बात है सही है कि फोकस बाजी? सही है, भर पेट मिलता है। हाँ, मतलब थरिया खत्म कर दोगे तो फिर भात मिल जाएगा? हाँ, और देगा। और दोबारा खत्म कर दोगे तो फिर मिलेगा? हाँ, जितना ऐसा बात है, वह सही बात है। तो मतलब भर पेट खिलाया जाता है ना, स्वाद भी बढ़िया लगता है। स्वाद भी बहुत बढ़िया, आप खाइए आराम से। और इस साइड पे जो है एक भैया और भी खा रहे हैं, तो सही बात है भैया, भरपेट मिलता है खाना? है? सही में भरपेट मिलता है? सही बात है, आप भी बैठिए ना। हाँ, हम तो खाएंगे, आप पर्सन लिए कि दोबारा हो गया? वाह जी वाह। तो भाई साहब बात सही है कि यहाँ पे भरपेट खिलाया जाता है इतने कम रेट में, और यहाँ अंकल भी बैठे हुए हैं। सही बात है अंकल, भरपेट खिलाया जाता है, जितना भात खा सकते हैं। और सब्जी भी मिल जाता साथ खाने के लिए, सब चीज मिल जाता है, बराबर आते हैं? बराबर, हम डेली खाते हैं, डेली खाते हैं। अरे वाह, धन्यवाद अंकल। तो गई सारी जानकारी लेने के बाद अब जो है आपको दिखाने वाले हैं अपनी थाली जो कि यहाँ पे लग चुकी है। थाली देख लो, मतलब भाई साहब ये जो चावल देख रहे हो ना, ये ख़त्म होने के बाद आप और भी ले सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे मिला है आलू का बढ़िया सा एकदम लटपट सब्जी,
साथ में कटा हुआ प्याज, मुर्गा देख लो यहाँ पे क्या खूबसूरत और तगड़ा सा दिख रहा है, और इसके साथ यहाँ पे चटनी, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे इतना सारा जो ये सब खाना है मात्र 50 रुपये का है, पर यहाँ पे मुर्गा हमने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मुर्गा कम पड़ने वाला है। तो सबसे पहले जो है ना आपको एक बार नज़ारा देते हैं मुर्गा का, ये देखो किस हिसाब से तरी वगैरह एकदम जम गया, मतलब छाली पड़ चुका है इसके ऊपर, और पीस वगैरह देखो यहाँ पे क्या सही सा है, एकदम बढ़िया। ये देखो पका हुआ भी बिल्कुल परफेक्ट मुर्गा है, ये देख लो एक नंबर भाई, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो नज़ारा वगैरह तो हमने जो है आपको मुर्गा का दे दिया, अब जो है ना खाना स्टार्ट करते हैं, और आज स्टार्ट करेंगे दाल चावल सब्जी के साथ, क्योंकि पहले से दाल चावल के ऊपर डाला हुआ है। ये आलू का सब्जी है, इसको अच्छे से जो है ना ऐसे पहले तोड़ते हैं, और ये मिलाया, और मेरे ख्याल से लगता है कि अपने हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सब्जी भात का पहले आपको स्वाद बताने वाले हैं। दाल भात सब्जी का स्वाद भाई ऐसा लग रहा है जैसे घर में बैठ के खा रहे, बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से घर वाला स्वाद है, मसाला पीस कर बढ़िया से आलू का सब्जी में डाला हुआ है, स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है सब्जी भात का। अब मुर्गा पे आ जाते हैं, ये रहा मुर्गा का तरी, ये गैस के ऊपर और बहुत गर्म है, मैं सच्ची बताऊं आपको टेस्ट मुर्गा का ना इतना बढ़िया सा है, इतना अच्छा सा तरीका स्वाद लग रहा है भाई, फ्लेवर मसालों का इतना अच्छा सा इसमें है, इतना बढ़िया से भुना हुआ टमाटर का स्वाद इसमें बड़ा अच्छा सा समझ में आ रहा है, खट्टापन उसका थोड़ा थोड़ा, टमाटर पता है इसमें यूज किया गया है देसी वाला टमाटर, और देसी वाला में भी छोटा साइज का जिसको हमने चेरी टोमेटो भी बोला था, ये वाला इसमें रस्सा बड़ा रहता है, मतलब देखने में छोटा स्वाद करे गंभीर, स्वाद दे गंभीर। अब मुर्गा का पीस इसमें लिए हैं, बहुत सही स्वाद है मुर्गा का, सबसे पहले तो मसालों को जो भुना गया है ना, जो खर किया गया उसका स्वाद बहुत अच्छा था, आदी लहसुन बढ़िया से डाला हुआ, और गरम मसाला का बात करेंगे बड़ा बढ़िया सा गरम मसाला का स्वाद, एक तो गोटा मसाला पहले पड़ा उसके बाद पीस कर, मुर्गे में पता है क्या चीज़, एक तो चमड़ा का साथ है सोंधापन बढ़िया सा है, लगता है मुर्गा को पहले जो है भाई चमड़ा छोड़ा के, मतलब पंखी छोड़ा के आग पर सेका गया है, बड़ा सही सा लग रहा है। चिकन का क्वांटिटी हम डबल लिए थे क्योंकि हमको लग रहा था कि चिकन कम पड़ने वाला है। अब चटनी मिलाते हैं इसमें, ये वो खाने में की बात करेंगे ना, खाना कम रेट होने के साथ साथ ना स्वादिष्ट भी बहुत है, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है कि लोग रेट के चक्कर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेट के साथ साथ आपको ना टेस्ट भी मिलने वाला है मुर्गा का बढ़िया सा, और बनाया गया काफ़ी अच्छे तरीके से, और साफ़ सफाई चीज़ ना हर चीज़ में आपको दिखेगा, और कोयले के आँच पे सारा खाना बना हुआ है। मतलब ये जो है ना
गरीबों का नया 5-स्टार होटल इसको बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो सारा दिन मेहनत करते हैं, दिन भर पूरा शरीर का जो है यूज होता है, तो वही लोग ज़्यादातर यहाँ पे भर पेट खाते हैं। 50 रुपये में चावल जितना चाहिए मिलता है, और ऐसा नहीं है कि भर पेट मिल रहा है तो जैसे तैसे बना के ले रहे हैं। स्वाद भी बढ़िया है हर एक चीज़ का, चाहे वो आप दाल ले लो, चाहे वो सब्जी लो, चाहे वो मुर्गा ले लो, और चटनी वटनी डाल के तो भाई कहीं नहीं मिलेगा 50 रुपये में भर पेट आपको। मेरे को खाकर बड़ा मज़ा आया, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, देखो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब तो चलता है, आपको बोलते हैं आप करते भी हो, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको भाई साहब बढ़िया खाना 50 रुपये में भरपेट खाना है, वो लोग के पास पहुंच सके और वो लोग भी यहाँ पे आए। लास्ट टाइम हमने साल भर पहले एक जगह वीडियो बनाई थी, उस जगह का नाम भी हमने ही दिया था, गरीबों का 5-स्टार होटल। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ का स्वाद मिला, तो उम्मीद करते हैं यहाँ भी जो है इसी तरह का आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो थाली को करते हैं ख़त्म, वीडियो को हम करते हैं यहीं पर, और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है फिर से, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह ढूंढ ढूंढ कर बढ़िया से बढ़िया खान पान आपको दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल कुछ कई बार नया सा लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।